प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस मंडे नाइट प्रेयर में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के पास विनती करते हैं। आज के पिता परमेश्वर, पूरे दिन भर हमें संभाल कर रखा। पूरे दिन भर मेरे पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई की, हमें चंगाई दी, हमें पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह दिया। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो। प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। समझ, बुद्धि और ज्ञान देने वाले पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव को लेकर आने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से आजादी रिलीज होने पाए। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना में बढ़ने के लिए हम सभी को मदद करना, आराधना में बढ़ने के लिए हम सभी को मदद करना। मेरे पिता परमेश्वर, वचन को पढ़कर वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव को लेकर आने वाला हम सभी को बनाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर एक अध्याय पढ़ने वाले हैं, भजन संहिता अध्याय 35 वचन 1 से शुरू करेंगे। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। दूसरा वचन, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। तीसरा वचन, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। चौथा वचन, जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। पांचवा वचन, वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हटता जाए। छठा वचन, उनका मार्ग अंधियारा और फिलसन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खो खदेड़ता जाए। सातवां वचन, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। आठवां वचन, अचानक उन पर विपत्तियां पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। नौवां वचन, परंतु यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन और बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्री लोगों की रक्षा करता है। ग्यारह वचन, झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। बारह वचन, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उग जाता है। तेरा वचन, जब वे रोगी थे तब वो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना फल मेरी गोद में लौटाया। चौदह वचन, मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरी संगी व भाई है, जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। पंद्रह वचन, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे, उन पाखंडी भांडो की नाई जो पेट के लिए उपास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। सत्रह वचन, हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिस में उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। अठारह वचन, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। उन्नीसवा वचन, मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नैन से सहन न करने पाए। बीसवां वचन, क्योंकि वे मेल ही बातें नहीं बोलते परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं उसके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। इक्कीसवां वचन, और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसारा पसार
करके कहा, आहा आहा, हमने उन अपनी आंखें से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा, चुप न रहे, हे प्रभु मुझसे दूर न रहे। 23वां वचन, उठ मेरे न्याय के लिए, जाग हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु मेरे मुकदमा निपटाने के लिए आ। 24वां वचन, मैं हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। 25वां वचन, वे मन में न कहने पाए कि आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई, वह यह न कहे कि हम उसे निगल गए हैं। 26वां वचन, जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो, जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वह लज्जा और अनादर से ढक जाए। 27वां वचन, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। 28वां वचन, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हालेलुया। प्यारी भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा जो निष्कारण पिता परमेश्वर द्वेष करते हैं, हमारे प्रति पिता परमेश्वर जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें हम माफ़ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम उनके प्रति अपने जीवन में कोई ईर्ष्या नहीं रखना चाहते मेरे पिता परमेश्वर। जो कारण हमारा द्वेष करते हैं प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी जिंदगी में आपकी इच्छा से पिता परमेश्वर काम कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के पिता परमेश्वर इस प्रार्थना इस विनती में आप हमें सहायता किए हैं, मदद किए हैं। और पिता परमेश्वर आज के इस रात की प्रार्थना में जो आपका बेटा बेटी पिता परमेश्वर आराधना में बना है मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना में बना है मेरे पिता परमेश्वर और यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, और प्रभु जी हमेशा पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रेयर वॉरियर्स से मेरे पिता परमेश्वर ने प्रार्थना में मदद करना, सहायता करना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना, इस छोटी सी विनती को आपने सुना और सभी भाई बहनों को आपने ब्लेस किया है और आशीष दी है। और रात को प्यारी निंदेरा गलत चीज़ों से, गलत सपनों से, गलत विचारों से बचा कर रखना मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन।